हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में एएसपी एट्रोवा 75 mg कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एएसपी एट्रोवा 75 mg कैप्सूल का मुख्य तो उपयोग हर्ट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जाइडस कैडिला लिमिटेड की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर ₹35 में मिल जाएंगी। यह कैप्सूल खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह के अनुसार ही खरीदना चाहिए। बात करते हैं इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट के बारे में। एएसपी एट्रोवा 75 mg कैप्सूल में एट्रोवा स्टेटिन आईपी 10 mg एस्पिरिन आईपी 75 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एट्रोवा स्टेटिन ऐसे एंजाइम को रोकने का काम करता है जिसकी जरूरत शरीर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में होती है। इस प्रकार यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एस्पिरिन में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक के गुण होते हैं जिससे दर्द में राहत मिलती है। यह प्लेटलेट को जमा होने से भी रोकता है जिससे रक्तवाहिनियों से संबंधित समस्या होने की संभावना कम होती है। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसे हाई कोलेस्ट्रॉल होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसे हाई ट्राइग्लिसराइड की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग एंजाइना की समस्या दूर करने के लिए भी किया जाता है। एंजाइना मतलब हार्ट की मांसपेशियों में कम रक्त प्रवाह के कारण होने वाली छाती में दर्द की समस्या होती है। एंजाइना में आमतौर पर आपकी छाती में दबाव, भारीपन, जकड़न आना महसूस हो सकता है। इसे हार्ट फेल होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इसे स्ट्रोक की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस कैप्सूल का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस कैप्सूल का डोस आपके समस्या पर निर्धारित होता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस कैप्सूल का डोस भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस कैप्सूल का डोस भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको पेट दर्द, सीने में जलन, त्वचा में दाग आना, खांसी, दस्त, जोड़ों में दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल के यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस कैप्सूल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य कैप्सूल या मेडिसिन या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं ये कैप्सूल यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य लें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माई फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।